तो आज के इस वीडियो में दिखाएंगे पीआरपी क्या होती है, कैसे होती है, किन लोगों को पीआरपी करवानी चाहिए और किन पेशेंट्स को पीआरपी नहीं करवानी चाहिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक पूरी ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीआरपी क्या होती है, पीआरपी जो है हेयर लॉस में कैसे काम करती है, पीआरपी किन पेशेंट्स में फ़ायदा पहुंचाती है और पीआरपी किन पेशेंट्स में फ़ायदा नहीं पहुंचाती। इसके अलावा आपकी पब्लिक डिमांड पे मैं आज बताऊंगा कि पीआरपी एक्चुअल में की कैसे जाती है, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि पीआरपी के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता होगा, पीआरपी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती होगी। लेकिन आज मैं आपको लाइव पीआरपी करते की वीडियो दिखाऊंगा कि पीआरपी एक्चुअल में की कैसे जाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजेश सोखल, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। आज बताऊंगा पीआरपी के बारे में कंप्लीट नॉलेज। दोस्तों, पीआरपी की फुल फॉर्म होती है प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट्स एक्चुअली ग्रोथ फैक्टर होते हैं, जिन्हें प्रोथ्रोम्बिन भी बोलते हैं, जो कि हमारे ब्लड में मौजूद रहते हैं। ये प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा जब इकट्ठी हो जाती है काफ़ी संख्या में, तो इनमें ग्रोथ फैक्टर काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं और ये ग्रोथ फैक्टर माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, छोटी छोटी नीडल्स के द्वारा आपके बालों की जड़ों में डाल के वहाँ की ग्रोथ को एक्टिवेट किया जाता है। तो ये मेथड होता है पीआरपी थेरेपी का। अब मैं बताऊँगा कि पीआरपी ट्रीटमेंट जो है किन पेशेंट्स में इफ़ेक्टिव होती है, किन पेशेंट में इफ़ेक्टिव नहीं होती। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत सारी पीआरपी करवाई है लेकिन कोई रिजल्ट्स नहीं मिला है। लेकिन काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि हमने 2-3 पीआरपी की सेटिंग्स ली है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ऐसा क्यों होता है वो आज मैं आपको बताऊंगा, एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। कुछ डॉक्टर्स और कुछ क्लिनिक दोस्तों पीआरपी को ऐसे परफॉर्म करते हैं, ऐसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि इससे न्यू हेयर ग्रोथ हो जाती है। आपको ऐसे बताएंगे कि पीआरपी करवा लो, नए बाल आ जाएंगे, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे नए बाल उगने शुरू हो जाए। पीआरपी भी बालों की ग्रोथ को एक्टिवेट करती है, यानी कि जो बाल पतले हैं, जो बाल कमज़ोर हैं, उनको मजबूत करेंगी, उनकी जो जड़ें हैं उनको जड़ पोषण देंगी, उनकी ग्रोथ को बढ़ाएगी, उनकी थिकनेस को बढ़ाएगी, जबकि नए बालों को ग्रो नहीं करवाएगी। पीआरपी क्या करेगी, प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा ये क्या करती है, एक उन पेशेंट में काम करती है जिनमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, जिनमें जो होता है जो हेयर थिनिंग, बाल पतले हो जाते हैं उनमें काम करती है, जिनमें रफ हेयर्स होते हैं उनमें काम करती है, इसके अलावा कुछ बाल जिनमें ग्रोथ कम होते हैं सिर्फ इन पेशेंट्स में काम करती है। ये रिसीडिंग हेयर लाइन, एलोपेशिया, एलोपेशिया एरिएटा और जो गंजापन है जिसे हम बॉर्डनेस बोलते हैं, इस पेशेंट्स में, इन तरह की कंडीशंस में पीआरपी किसी भी तरह के काम नहीं करती। तो अगर आप एलोपेशिया से परेशान हो, अगर आप रिसीडिंग हेयर लाइन से परेशान हो, तो अगर आपको इसके अलावा अगर आपके कहीं जल गया है, जल एलोपेशिया बार्बी हो गया है, एलोपेशिया एरिएटा हो गया है, तो ये अगर कंडीशन हो गई है तो पीआरपी आपको करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पीआरपी से वहाँ पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे पीआरपी करवाने से आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, मनी की बर्बादी हो जाएगी। अब बात करूँ दोस्तों, पीआरपी होती कैसे है। पीआरपी पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, पेशेंट के ब्लड में लगभग हम 20 से 30 ml ब्लड लेते हैं। ब्लड लेने के बाद उसे मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद 3 लेयर बन जाती है, नीचे होती है जो कि RBCs होती है, जो कि क्लॉट जम जाता है लगभग, और ऊपर की लेयर होती है प्लेटलेट्स पुअर प्लाज्मा और बीच की लेयर होती है प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। कुछ डॉक्टर्स को यही पता नहीं होती कि प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा अलग कैसे करनी है, तो वो ऊपर की और नीचे की लेयर दोनों ही आपके स्कैल्प में इंजेक्ट कर देते हैं, जहाँ पे प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होने से रिजल्ट्स नहीं आते, इसलिए काफ़ी पेशेंट में पीआरपी के रिजल्ट्स नहीं आ पाते। एक रीज़न और है कि पीआरपी के रिजल्ट्स नहीं आ पाने का, वो ये है कि आपके ब्लड में प्लेटलेट्स की नॉर्मल की जो काउंटिंग होती है वो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक होती है। और अगर आपकी, जब हम पीआरपी करते हैं तो पेशेंट का पहले CBC चेक कर लेते हैं, प्लेटलेट्स काउंटिंग चेक कर लेते हैं, अगर 2 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट्स हैं तो आप में प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा पीआरपी थेरेपी के रिजल्ट्स आएंगे, अगर 2 लाख से कम पीआरपी प्लेटलेट्स हैं तो वहाँ पर रिजल्ट्स काफ़ी कम आएंगे। अब है
इसमें हम पेशेंट का ब्लड लेके अलग करके पीआरपी सिंपल मशीन होती है, इस तरह से आप मशीन देख सकते हो, उसमें हम इंजेक्शन मशीन से हम निकाल के माइक्रो जो नीडल्स होती है जिसको इंसुलिन नीडल कहते हैं, बहुत ही बारीक सी नीडल होती है, उससे पहले हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया देने का मतलब ये होता है कि पूरे स्कैल्प में पीआरपी डिस्ट्रीब्यूट ढंग से की जा सके। अगर लोकल एनेस्थीसिया नहीं देंगे तो पूरे स्कैल्प में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी पीआरपी, और ढंग से इंजेक्ट नहीं हो पाएगी। एक जगह डॉक्टर्स इंजेक्ट कर देंगे और पूरे स्कैल्प में जब इंजेक्ट नहीं होगी तो पीआरपी का डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं होने से रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आ सकते हैं। तो ये एक मेथड्स होते हैं पीआरपी के ढंग से, अगर पीआरपी सही तरीके से किया जाते हैं, अगर पीआरपी सही तरीके से जो एक्सट्रैक्ट की जाती है पीआरपी को सही तरीके से इंजेक्ट की जाती है, उसके बाद आप सही तरीके से केयर करते हो, इसके बाद आपके अंदर पीआरपी की जो काउंटिंग है, जो प्लेटलेट्स की काउंटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आप पीआरपी के लिए एलिजिबल होने चाहिए, तब पीआरपी के रिजल्ट्स मिलते हैं काफ़ी हद तक, और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। हमने अब तक 20,000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स की पीआरपी कर दी है, जिनमें काफ़ी पेशेंट्स का अच्छा रिजल्ट्स मिला है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी करवाने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपके नए हेयर्स अच्छे ग्रो करेंगे, अच्छे घने काम करेंगे। फीमेल के लिए भी पीआरपी बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो अगर आप पीआरपी करवाना चाहो तो सही डॉक्टर के पास जाओ, सही तरीके से करवाओ, आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। मैं डॉक्टर राजेश लेता हूँ विदा आपसे, मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए या पीआरपी के बारे में आप क्या जानना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। क्या आपने अब तक पीआरपी का नाम सुना था या नहीं सुना, वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगा नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लविंग, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल।